हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। तो पहले शुरू करेंगे पिछला अभ्यास प्रश्न। सवाल था, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NDMC के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शंस थे विनेश फोगाट, निखत जरीन, रानी रामपाल और मिताली राज। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, निखत जरीन। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स डैश के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला सवाल, हाल ही में ओडिशा राज्य ने उत्कल दिवस मनाया, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या फिर 4 अप्रैल को? आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल, दूसरी G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी EWG की बैठक आयोजित हुई असम में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। आगे बढ़ते हैं। 2023 की विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य भारत के माल सेवाओं के निर्यात को डैश तक 2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, 2025, 2030, 2035 या फिर 2040? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2030। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 100, 500, 1000 या फिर 1500? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000। अगला सवाल, स्टार स्पोर्ट्स ने डैश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन या फिर रणवीर सिंह? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट स्थित है पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर मैनचेस्टर में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को 2023 में ट्विटर पर सबसे अधिक पसंद किया गया, एलॉन मस्क, जस्टिन बीबर, बराक ओबामा या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एलॉन मस्क। नेक्स्ट सवाल, फूलंगे नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, मामंगदाई, एन बीरेन सिंह, थेरेसा रहमान या फिर लेखनाथ छेत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेखनाथ छेत्री। अब 10वां और अंतिम प्रश्न, क्षेत्रीय खोज और बचाव यानी SAR अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर केरल में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश।
चलिए अब नोट करते हैं अभ्यास प्रश्न। विदेश व्यापार नीति 2023 डैश से प्रभावी हुई। ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2023, बी 1 फरवरी 2023, सी 1 मार्च 2023 या फिर डी 1 अप्रैल 2023। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।